जैसे जैसे वोटिंग का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भाजपा विकास की बात कर रही है तो कांग्रेस ही इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। हमने बात की कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रज्जी जान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश महासचिव रज्जी जॉन। विधानसभा चुनाव होने को हैं, बस चंद ही कुछ दिन बचे हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे, रीवा में विकास हुआ, किस तरीके का विकास हुआ, आपकी पार्टी उसको किस नज़र से देखती है, जैसे तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि रीवा में विकास 15 साल में हुआ है, अगर हुआ है तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है विकास का ढिंढोरा पीटने वाली ये भाजपा सरकार, यहाँ के स्थानीय मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी विगत 5 सालों में विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने रीवा में विकास किया है, विकास किया है, विकास किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मापदंड विकास का क्या है? विकास के मापदंडों में मेरा मानना है शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसमें किसी भी सेक्टर में अपन बात करें, शुरुआत करते हैं अपन रोड से, सड़क से। हमेशा इनने सड़क का रोना रोया, कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी पता नहीं था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि विगत 15 सालों में जब से भाजपा की मध्य प्रदेश में और रीवा में भाजपा का शासन है, रीवा से आप किसी भी नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए, चाहे सतना हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, आप जबलपुर, कहीं भी आप सड़क से विगत 15 सालों में जाने लायक सड़क कहीं भी नहीं थी। सतना में कांग्रेस के शासनकाल में जाने में मात्र 45 मिनट लगते थे, आज 15 साल से रीवा की जनता से आप पूछिए कि सतना जाने में कितना समय लगता है, वहाँ पे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। मैं रेगुलर इलाहाबाद और सतना सड़क से दौरा करता था, इलाहाबाद विगत 15 सालों में एक बार भी इलाहाबाद बाई रोड नहीं जा पाया, इलाहाबाद जाने लायक सड़क नहीं थी। मिर्जापुर शहडोल की सड़क मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई सड़क थी। रीवा की इंटरनल सड़कों का मामला देख लीजिए, रतहरा से लेके रेलवे स्टेशन मोड़ तक सड़क में मेरी जानकारी के अनुसार इस विगत 13-14 सालों में लगभग 156 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है, जिसकी मैंने RTI लगाई है और काफ़ी कुछ RTI में मेरे को इसके सबूत मिले हैं और RTI द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है कि इसमें करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है। लेकिन आप ये देख लीजिए, इस विगत 13 सालों में निरंतर कहीं ना कहीं गड्ढा खुदा रहता है, कहीं नाली खुदी रहती है, कहीं सड़क खुदी रहती है, एक एक काम को 3-3, 4-4 बार 6-6 महीने में कराया जा सकता है, लेकिन आज तक वो सड़क चलने लायक नहीं हुई। फ्लाईओवर जो बनाया गया है किसी काम का नहीं है, आज भी सिरमौर चौराहे में 2 साल पहले जितना जाम लगता था उतना जाम आज भी लगता है, फ्लाईओवर पूरा खाली रहता है, फ्लाईओवर का भी पूरा का पूरा बनाना व्यर्थ गया, ये विकास है। पार्क की बात कर लीजिए, रीवा में एक भी पार्क देख लीजिए आप, कहीं भी पार्क में आप अपने परिवार की महिलाओं बच्चों के साथ नहीं जा सकते। बड़े बड़े चौराहे जो बने हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चौराहा बड़ी रोटरी बननी बंद हो गई तो रीवा में हमारे स्थानीय मंत्री जी और नगर निगम ने बनाना शुरू कर दी। जहां एक भी रोटरी न रहे तो यातायात इससे दुगना सुगम हो जाएगा, लेकिन रोटरी बना के पैसे के भी इनने वेस्टेज की और साथ में आवागमन भी इनने असुविधाजनक कर दिया और शासन का इसमें लाखों रुपए व्यय भी हो गया। जहां तक सौंदर्यीकरण की बात है, रीवा नगर को पूरी तरीके से सौंदर्या के हाथों बेच दिया गया। अभी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का इनने धूमधाम से उद्घाटन किया, उसकी अगर आप असलियत में जाएं, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन थी जो कि मात्र इनने सामने वाली जमीन, जहां तक मेरी जानकारी है सामने वाली जमीन उसकी मेडिकल मॉल के लिए इनको दे के उसके एवज में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बना दिया, समदड़िया ने बनाकर वो समदड़िया के
तो उसमें टेंडर करवा के उसको प्री क्वालिफिकेशन बिड नगर निगम द्वारा ऐसी बनाई गई कि उसमें समदरिया जी ही केवल फिट होते थे, और वो समदरिया जी को इतने कम दामों में लीज में दे दी गई कि वो अब समदरिया जी चला रहे हैं उसको, चाहे शादी बारात में दे दे चाहे किसी में दे दे। और मेरी जानकारी के अनुसार उनने 65,000 रुपये प्रतिदिन का किराया उसका रखा गया है। यही अगर ओपन टेंडर होता, नगर निगम इसको ओपन टेंडर में देती, तो कम से कम 5 लाख रुपये महीने की उसकी किराए की राशि नगर निगम को मिलती, लेकिन वो इतने सस्ते दरों में समदरिया को दे दिया गया। मतलब शासकीय ज़मीन का दुरुपयोग करके समदरिया से बनवाया गया, उसके एवज में सरकारी ज़मीन उसको मुफ्त में दे दी गई, जिसमें वो बेच के मेडिकल मॉल बना के करोड़ों कमाएंगे, और उसके बाद उनने जिस पैसे से बनाया और उन्हीं को वो परमानेंट लीज में दे दिया गया कि वो एक नॉमिनल रकम, जैसे बस स्टैंड में उनने देके सरकार को चूना लगाया है, वैसे ही इसका नगम देके। ये सौंदर्यीकरण है, ये विकास है। आपका कहने का मतलब है पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके का कोई विकास नहीं किया, अगर विकास किया है तो अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए। केवल और केवल अपने चहेतों को और अपने भाजपा से संबंधित ठेकेदारों को उपकृत करने का काम किया है। एक छोटा सा उदाहरण, आप भी रीवा शहर में रहते हैं, पानी पेयजल में, पेयजल में नगर निगम ने पूरे रीवा की सड़कें विगत 10 सालों में कम से कम एक एक सड़क 4-4, 5-5 बार खोदी है। राजस्थान की और गुजरात की भाजपा से जुड़ी हुई, स्पष्ट मेरा आरोप है कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक एक पाइपलाइन को 3-3, 4-4 बार डाला गया है। मैं बोधाबाग का निवासी हूं, बोधाबाग में हमारे पार्षद है रामू पांडे जी ने व्यक्तिगत मुझे बताया और मैंने अपने आंखों से देखा, मेरे घर के सामने की पाइपलाइन इस विगत 3 सालों में 3 बार चेंज हुई है। एक बार 4 इंच की पाइप डाली गई, एक बार 6 इंच की डाली गई, एक बार CWC की पाइप डाली गई, एक बार PVC की पाइप डाली गई, 3-3 बार उसी नाली को खोद के करके, और आज भी वहां पे दोनों टाइम पानी जो आता है वो गंदा पानी आता है। पूरे रीवा में पीने लायक पानी किसी मोहल्ले में, जबकि अमृत योजना में आज की तारीख में कनेक्शन लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, 4,500 रुपये लगाने पड़ते हैं, और एक एक साल की वेटिंग में चल रहा है। ये थी शहर के विकास की बात जिसको आपने सिरे से खारिज कर दिया। मेरा एक सवाल है, विंध में 30 सीटें हैं, रीवा में 8 सीटें हैं, वहाँ पर आप कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? इस समय आम जनता कांग्रेस का चेहरा समझ चुकी है, उसको मालूम है कि कांग्रेस के अलावा इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी विकल्प नहीं है। चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो जिसने झूठ बोल के लगातार 5 साल से जनता को छला है, चाहे वो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हो जिसने फरेब और भ्रष्टाचार से इस 15 साल से मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है, इसलिए कोई जनता के सामने ना ही विकल्प है और ना ही कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी। आज जनता समझ चुकी है कि उसका विकास कर सकती है, और सही मायने में शहर का और प्रदेश का और देश का विकास कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ये आम जनमानस को, व्यापारियों को, सबको समझ में आ चुका है। मेरा दावा है कि रीवा की 8 विधानसभा में 8ों कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का रीवा जिले में दौरा था, उन्होंने आपके एक विज्ञापन पर उंगली उठाई। उनका कहना था कि हमारे सारे कामों पर, हमारे काम इतने अच्छे हैं, हम किसानों को दे रहे हैं सुविधा, दे रहे हैं जिनके पास आवासहीन है उनको मकान दे रहे हैं, वो सारे काम हम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। कांग्रेस को निश्चित तौर पे गुस्सा आता है, किसानों के प्रति जो असंवेदनशीलता दिखा रही है भाजपा सरकार, किसानों के ऊपर जो गोली चला रही है, किसानों को जो MSP जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं दे रही है, किसानों को आय दुगनी करने का जो वायदा किया था वो नहीं पूरा कर रही है, हमारे प्रदेश के किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है ये उनका कहना सही है, लेकिन भाजपा के ऊपर केवल इसलिए गुस्सा आ रहा है कि हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जो है वो विगत 5 सालों में लगातार किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी पंचायत में जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो वो घोषणा करने में पीछे नहीं रहते, लेकिन उसका परिपालन का प्रतिशत जो है वो 0 है, 0 है, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रज्जी जॉन जी, जिनका साफ तौर से कहना था भारतीय जनता पार्टी की कमियों को हम लोग उजागर कर रहे हैं, इसलिए भाजपा को गुस्सा आता है। जैसा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा जिले में थे, उन्होंने अपने भाषण के दौरान, 11 मिनट के भाषण के दौरान कम से कम 50 बार गुस्सा आता है का जिक्र किया।
अब देखना यह है आगे भविष्य में, विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में है और प्रदेश के काफ़ी नेता यहाँ पर आने वाले हैं। अमित शाह जी का दौरा तय हो गया है, मोदी जी का दौरा तय हो गया है, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी का दौरा तय गया है, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी आने वाले हैं। हम महासचिव जी से पूछेंगे उनका और किन मुद्दों पर वो अपनी बात बेबाकी से रखना चाहते हैं। देखिए, दो तीन प्रमुख मुद्दे हैं। एक सबसे ज़रूरी आज भारतीय समाज के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए और हमारे आपके बच्चों के लिए शिक्षा। शिक्षा में भारतवर्ष आज़ादी के बाद से, आपको शिक्षा की स्थिति मालूम है, 200 साल से ऊपर गुलाम रहा देश, उसके बाद शिक्षा की क्या स्थिति थी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे IIT IIM से लेके हमारे मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह साहब स्वर्गीय जो थे, उन्होंने जितने IIM और IIT का स्थापना की, इस पूरे 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना ही कोई IIT खुला, ना ही कोई नया IIM खुला। और मध्य प्रदेश की 15 सालों की भाजपा सरकार में आप सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सरकार का है, वो है शिक्षा व्यवस्था। आप रीवा में रहते हैं, रीवा के कॉलेजों की आप हालत देख लीजिए। TRS कॉलेज में आज 10 से 15 हज़ार बच्चे हैं, एक भी क्लास। मैं वहाँ छात्र संघ यूनियन में भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी यूनियन में भी रहा हूँ, एक भी क्लास आज की तारीख में TRS कॉलेज की नहीं लगती। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप स्वयं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस कॉलेज में पढ़ाएंगे? जनता कॉलेज बंद के बराबर है, मॉडल साइज कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज इकलौता कन्या महाविद्यालय है जिसमें क्षमता से 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे लड़कियों का एडमिशन की है और कम से कम 10 गुना ज़्यादा लड़कियाँ बाहर घूम रही है जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आज रीवा में एक कन्या महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन लगातार 10 वर्षों से कन्या महाविद्यालय की इस आवश्यकता को जानते हुए भी स्थानीय मंत्री ना भाजपा शासन द्वारा उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। स्कूलों की व्यवस्था, सरकारी स्कूल आप देख लीजिए, मार्तंड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, गांवों के स्कूल जहां तक है सब बंद होने की कगार पे है। और ये शिक्षा की बात करते हैं, पूरे शिक्षा का इनने भगवाकरण कर दिया है। ये केवल और केवल वहां पे वंदे मातरम कहां करना है, कहां मदरसे में क्या पढ़ाना है, केवल उर्दू यहाँ बंद करना है, इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रख दो, उसका नाम बदल के मुगल कालीन वाला नाम हटा दो, इसके अलावा नाम बदलने के अलावा इनने शिक्षा की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया। दूसरा मेरा प्रश्न है उद्योग, एक भी नया उद्योग आप बता दीजिए यहाँ नहीं लगा। ये बिजली की बात करते हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है ये बिजली बिजली का रोना रोते कि मैंने कहीं अंधेरे में रहता था मध्य प्रदेश। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के मंत्री से और भाजपा शासन के प्रवक्ताओं से, एक भी बता दें कि 15 साल के अंदर पावर जनरेशन प्लांट इनने एक भी मध्य प्रदेश में लगाया हो और एक भी यूनिट का उत्पादन इनके शासनकाल में इनके द्वारा निर्मित पावर प्लांट में बढ़ा हो, तो जो कहिए आप वो जो सजा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये थे हमारे साथ रज्जी जॉन जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 15 साल से किसी तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ, वो चाहे उद्योग की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, ना तो यहाँ पर एक भी उद्योग धंधे खुले, ना एक भी स्कूल कॉलेज खुले, और जो भी कॉलेज स्कूल थे उनकी भी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।